योगी सरकार के रामराज पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दाग लगा ही दिया। अगर आरोप सही है तो ये घटना यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा सामने लाती है। पीएम मोदी ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस देश में बेटी को इतना महत्व दिया जा रहा हो, वहाँ बेटी को पीटना और इतना पीटना कि उसकी मौत हो जाए, बहुत दर्दनाक बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी। उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर यह दाग लगा है, इसने प्रदेश के मुख्यमंत्री के दामन पर भी दाग लगाने का काम किया है। ये घटना सीएम योगी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को सामने लाती है। घटना और आरोप के अनुसार प्रदेश के चंदौली में रेत के एक आरोपी घर में पुलिस घुसी और पुलिस टीम ने बेटियों के साथ मारपीट की। ये घर कारोबारी कन्हैया यादव का घर था और इस बर्बर मारपीट में उनकी एक बेटी निशा की मौत भी हो गई। पीड़ा देने वाली बात यह भी है कि इस बेटी निशा की अगले महीने शादी होनी थी। कन्हैया यादव की दूसरी बेटी गुंजा का कहना है कि 40 पुलिस वाले जबरन घर में घुसे और उन्होंने हम लोगों से मारपीट की और दीदी को मारकर लटका दिया। हैरान ये बात भी करती है कि एक घर में 40 पुलिसजनों का घुसना क्या साबित करता है। एक घर जिस घर में बेटियां हो, अगर उसमें 40 पुलिसकर्मी घुस रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करने वाली घटना है। प्रशासन ने फिलहाल SHO उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। कन्हैया की गुड़िया चली गई। आरोप के अनुसार यूपी पुलिस ने उसकी बलि ले ली। गुड़िया और फनीशा के अगले महीने ही हाथ पीले होने थे, लेकिन घर से उसकी डोली जाने की बजाय अर्थी उठी। चंदौली में बालू के आढ़त कारोबारी के घर पुलिस टीम तलाशी के लिए घुसी और उसके बेटियों के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया में जारी वीडियो से पुलिस के कन्हैया यादव की बेटियों से किए गए बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना में कारोबारी कन्हैया यादव के घर घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के परिणाम स्वरूप हुई बड़ी बेटी निशा के मौत पर रोती हुई बिलखती हुई उसकी छोटी बहन गुंजा ने पुलिसिया बर्बरता की सारी दास्तान मीडिया को सुनाई और उसने कहा कि करीब 40 पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुसने लगे। हमने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लोगों ने धक्का मारकर खोल दिया। ये लोग हमें मारने लगे। दीदी खुद को बचाने के लिए दूसरे कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन गेट खोलकर उसके मारा गया। वहाँ कुछ देर तक मुझे आवाज़ देती रही, मुझे कहती रही गुंजा मुझे बचाओ, किसी को बुलाओ। निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पुलिस का कहना है कि गले में और जबड़े में खरोंच के निशान हैं, कोई अंदरूनी और बाहरी चोट नहीं है। विश्रा को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी SHO को निलंबित कर दिया है, लेकिन शहर में तनाव का माहौल बरकरार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को हत्यारा कहना गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यादव जाति को देखकर ही पुलिस ने जानबूझकर हमारी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन योगी सरकार इस आरोप को गलत बता रही है और इसको लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी सामने आया है। खैर जो भी हो, जहां त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा कायम करने की पुलिस प्रशासन की सराहना हो रही है, वहीं चंदौली की घटना ने पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर बड़ा दाग लगा दिया है। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।